कोलकाता केस में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगेंगे, लेकिन इसका जवाब अभी मिल पाना मुश्किल है। सीबीआई जांच के बावजूद पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। घटना के दिन सेमिनार रूम में शव के पास भीड़ लगी थी। ये सवाल किया जा रहा है कि कैसे संभव है, पुलिस क्या कर रही थी। आर्चिकन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप कर मर्डर मामले पर राहत से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच लाल टी शर्ट पहने एक शख्स की हरकत से राहत से बढ़ता जा रहा है। लाल टी शर्ट पहने एक व्यक्ति मृतक डॉक्टर की गर्दन पर चढ़कर कुछ ढूंढने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ये व्यक्ति कौन है, वो आर्जिकर अस्पताल में क्या कर रहा है, जूनियर डॉक्टर लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या ये जूनियर डॉक्टर की तस्वीर है, वहीं पर ये लाल कपड़े वाला व्यक्ति नजर आ रहा है। इससे पहले मृतक के माता पिता ने भी लाल टी शर्ट पहने एक रहस्यमय व्यक्ति को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने इस व्यक्ति की गतिविधियों पर संदेह जताया था। पीड़ित की मां ने कहा, लाल टी शर्ट पहने एक शख्स वहां आया और कुछ ढूंढ रहा था। इस बीच तस्वीर में दिख रहा है कि लाल टी शर्ट पहना शख्स शव के काफी करीब पहुंच गया। जूनियर डॉक्टरों के मुताबिक घटना वाले दिन ये शख्स सेमिनार रूम से बाहर भाग गया था। पुलिस ने उसे नहीं रोका, अस्पताल से उसे कोई लेकर नहीं आया। ये भी कहा जा रहा है कि वो सभी बड़े अधिकारियों के इर्द गिर्द मंडराता रहता है, लेकिन वो अपराध स्थल पर क्या तलाश रहा था, क्या छुपाने की कोशिश की जा रही थी, क्या उद्देश्य सफल हुआ, सवाल घूम रहा है, उत्तर अभी नहीं मिल पा रहा। कोलकाता रेप केस की सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कोलकाता रेप केस मामले में क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हुई है। उन्होंने पीड़िता के शव के पास की तस्वीर भी पेश की है। इस तस्वीर में पीड़िता के शव के पास काफी लोगों की भीड़ दिख रही है। हालांकि कोलकाता पुलिस का कहना है कि यह तस्वीर 9 अगस्त की है, इसी दिन पीड़िता की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। कोलकाता पुलिस का कहना है कि यहां पर वही लोग थे जिन्हें वहां जाने की इजाज़त दी गई थी।